सो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम तीनों ने पहना है। हम तीनों अभी पहले खाना खाएंगे ना चल के बगल में चलो। सचो आ जाओ। सॉरी ओ बड़ी बॉय चलो। तो पहले हम लोग करते हैं लंच। गाइस हम लोग आ चुके हैं ये ऑनेस्ट रेस्टोरेंट जिस पे हम लोग लंच करेंगे और लंच तो डिसाइड हो गया लेकिन अभी उसके बाद हमने गाड़ी वाले को फोन किया। गाड़ी वाले भैया 3 बजे आएंगे और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छी चीज़ हुई कि वो है बारिश। मतलब बारिश अचानक ऐसे आ गई। अब हम लोग स्टेचू से ऑलरेडी शायद घूम पाए तो वहाँ पे जाके हम फिर बैठेंगे और चले आएंगे ऑटो से राउंड मार के चले आएंगे। मेरी एक्साइटेड साक्षु का आ गया है मसाला डोसा। कल भी तो रात को मसाला डोसा वो पापा ही खा गए थे सब। थाली कितना टाइम लगेगा? सो ये देखो आप हम लोग बस बैठे हैं और साक्षु को नींद आ रही है। जो सी नींद आ रही है इलेक्ट्रिक बस जो डेली जाती है मतलब डेली क्या मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जब भी दिन भर चलती है ना है? ऐसे मतलब पैसेंजर और इन सब के लिए बहुत बढ़िया है ये। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो टिकट में इसका प्राइसेस इंक्लूडेड है। अभी साक्षी को बहुत मस्त वाली नींद आ रही है। साहब आ गए जिनके लिए हम लोग इतना दूर आए थे। ये रही हमारी एसी बसेस जो पूरा दिन चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लो साक्षु ये देख सकते हैं आप। यहाँ फोटो ले लो। खड़े हो जाओ पहले। कौन जो स्लॉट लिया था कितना 4 to 6 का लिया था और 6 to 8 किसका लिया था प्रोजेक्शन का लिया था वो अंदर रहते so, पैक रहते अब जाके देखते हैं कि कैसे क्या है और ये इसका एंट्री वगैरह कैसे है ना। और ये ड्रॉप पॉइंट है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ से जाने मिलेगा। तो यहाँ का वेदर गाइस इतना इंटरेस्टिंग इतना मस्त वेदर है मतलब बता नहीं सकता मैं और बहुत मस्त वेदर है। चलो फिर देखते हैं हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो साक्षु के बर्थडे स्पेशल है हमारा प्लान। और साक्षु ने निंद्रा ले लिया एकदम एनर्जी के साथ आ गए हैं वापस है ना साक्षु। यस तो चलो गाइस देखते हैं अंदर। टिकट हमने पहले से ही कर लिया था ये 2-3 अब हमें डायरेक्टली एंट्री ही लेनी है तो एंट्री लेने के लिए आई थिंक यहाँ से जाना पड़ता। सो गाइस हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लिया है और टिकट चेक इन हो चुका है यहाँ से चेक इन काउंटर से और इसके बाद जो है मतलब कुछ ना पूछो। वाह इट्स अ फील ऑफ हेवन साक्षु फील ऑफ हेवन साक्षु बर्थडे स्पेशल। फिर टिकट दिखा तो चालू भी नहीं किया है साक्षु क्या है यार कैसे चलेगा ऐसा। ये देखो अंकल लोग बैठे हैं अभी। हाय बोलो सबको। हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं ये देखो आप लोग और ये माँ बेटे दोनों मैचिंग हैं। अच्छा आज तुम क्वीन विक्टोरिया से भी बढ़ के लग रही हो आज तुम तो। अच्छा। शर्मा गई ओवर एक्टिंग की दुकान आपको दिखाऊंगा ये यहाँ से। हाँ राइट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया हुआ है इसी के जस्ट सामने ये प्रोजेक्शन मैपिंग का पूरा प्रोविजन किया हुआ है यहाँ से रात को एग्जीबिशन हॉल ना दिए। इट्स रियली अमेजिंग सुपर्ब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा जो व्यू है कहाँ से
अच्छा जान गाइड है, इंफॉर्मेशन विंडो, एग्जीबिटरी और स्टैचू ऑफ यूनिटी या रिव्यूइंग गैलरी, दीज आर काइंड ऑफ स्टफ्स व्हिच वी हैव। कम ऑन, यहाँ से ही चालू हो रहा है, सो यहाँ से तुम रील बना सकती हो। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेज, इतना चिल्ड है साक्षु। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रील गैलरी के लिए और हम लोग जाने वाले, अभी हम लोगों ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए, सीधे जा रहे हैं चेस्ट के बिना चरण स्पर्श किए। पति देव ने बोला है जाती जा रही है और लिफ्ट का इंतजार किया जा रहा है। साक्षु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ। साक्षु बोला मुझे सीधे ऊपर जाना है। अच्छा गैलरी में जा रहे हैं। हाँ एक कान पे एक कान से हवा आना बंद। वाह ये चेस्ट लेवल व्यू है गाइस, और चेस्ट लेवल व्यू में आप यहाँ से देख पाओगे यहाँ का पूरा नज़ारा। आगे ये चेस्ट लेवल खुल गए कान। साक्षु ये आप चेस्ट पे हो इनके, ये चेस्ट लेवल है क्या है इंडिया कुछ भी कर देते हैं। और ये देखो गाइस ये वाली रोड है जहाँ से हम आए, मतलब यही है ना, आई थिंक यहीं से तो आए थे हम, फिर घूम के सामने से। ये इलेक्ट्रिक बस भी जा रही है देखो, ये पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं सरदार सरोवर डैम का व्यू आ रहा है यहाँ से। आओ चलो चलो दूसरी साइड। मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग उनके अंदर हैं और कहीं किसी दूसरी बिल्डिंग में। पूरा मैकेनिकल वर्क है पूरा का पूरा, लोगों ने इतनी मेहनत से एफर्ट्स डाल के ये सब कुछ किया है। बहुत अच्छी फोटो आ रही है। अच्छा क्या लेवल है, मतलब एकदम धरती आसमान सबका बहुत ही। और ये देखो ये भाई सब हमारे थक गए हैं और माता जो है इनका व्यू ले रही है। आइए कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे है? पूरा का पूरा रियल टाइम व्यू आ रहा है, एकदम देख के ऐसा लगता है जैसे ये धरती आसमान पूरा एकदम मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये जो अपनी नर्मदा जी यहाँ से पूरी की पूरी क्लियर दिख रही हैं है? और हवाएं भी इतनी तेज है ना, वेंटिलेटेड है ये एरिया। अच्छा फील हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर मजा आ रहा है। साक्षु आपको कैसे लगा इधर आके? साक्षु का बर्थडे यादगार हो गया नहीं, साक्षु मेमोरीज बस जहाँ देखो ये टिका लेते हैं। साक्षु जल्दी आओ, चलो हम लोग थोड़े से यहाँ का जो भी बनाया है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। इंडिया इज द बेस्ट यहाँ से मालूम पड़ गया मुझे आज तक, वैसे पहले भी पता था लेकिन आज जो मालूम हुआ एकदम अद्भुत। अच्छा आप यहाँ पे मेरे कान के कान में इतना दबाव बन गया था ऊपर लेवल पे जाके, और कान नहीं बना ना कान 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 मेरे कान कान ब्लॉक हो गए मेरे पूरे। इतना मतलब सिस्टमेटिक बनाया इन्हें एक एक शपथ में। ये फुट लेवल पे आ चुके हैं बहुत मशक्कत करने के बाद, जहाँ सिंगल कदम भी हम आई थिंक नहीं चले हैं। और ये देखो इनके ये नाखून का स्टार्टअप है, यहाँ से इनका नाखून यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये देखो बाप रे ये हाइट देखो आप हैं, ये पत्थर है लोहा है व्हाट एग्जैक्टली इट इज यार, दिस इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। हमने यहाँ ई रिक्शा का भी यूटिलाइजेशन कर लिया है, यंगर आंटी भी जा रहे हैं और ये जो फैसिलिटी है सीनियर सिटीजन के लिए है जनरली। एक मिनट मैं मदद करूँगा। वाह
कितना बढ़िया है सरसों। सरसों मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं? थोड़ी थोड़ी दूर है, पूरा कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बढ़िया एकदम मस्त, एकदम मजे में। लालू बोलू फोलू इंस्टीट्यूशनली। कल फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे? कल नहीं आएंगे, अभी फिर आएंगे ना, उसके लिए लाइटिंग शो नहीं देखेंगे, आप आ जाइए अपना। कल तो नहीं आएंगे ना इधर?